अशोक हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, क्या उपाय बताया था आपने अभिमन्यु को पुजारी जी? कार्तिक पुजारी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, यक्षिणी आवाहन साधना का उपाय युग, मैंने ही अभिमन्यु को बोला था कि तुम्हें युग से कहना चाहिए कि वो यक्षिणी को बुलाए, क्योंकि उसके बुलाने से यक्षिणी जरूर आएगी। युग को खुद यक्षिणी से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है। यही सब जानने के लिए मैंने अभिमन्यु को यक्षिणी आवाहन की विधि बताई थी। और कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले युग कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, पर पुजारी जी यक्षिणी को कैसे बुलाया जाता है, उसकी विधि तो बिंदु ने बताई थी ना। कार्तिक पुजारी कुछ कहते उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, यक्षिणी को बुलाने की विधि बिंदु ने भले ही बताई हो युग, पर उसके दिमाग में वो विधि डालने वाला मैं ही था। एक हफ्ते पहले ही मैं बिंदु से मिला था और बातों बातों में मैंने ही बिंदु को बताया था कि यक्षिणी को कैसे बुलाया जा सकता है। और जब बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी कायर से मिलने के लिए आई तो मैंने जानबूझकर ये टॉपिक निकाला कि हमें यक्षिणी को बुलाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। उसी वक्त बिंदु के दिमाग में ये बातें क्लिक हो गई जो मैंने उसे बताई थी। उसने हमें वही विधि बता दी जो मैंने उसे बताई थी। बिंदु को ये तो याद रहा कि यक्षिणी को कैसे बुलाया जाता है, पर ये याद नहीं रहा कि वो विधि उसको किसने बताई थी। बिंदु इस बारे में याद करती उससे पहले मैंने बातों से सबका माइंड डाइवर्ट कर दिया था, जिस कारण बिंदु उस बारे में याद ही नहीं कर पाई। जब बिंदु अभिमन्यु के मुँह से ये बात सुनती है तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने अभिमन्यु के चाहने पर किस तरह उसकी मदद की थी, कैसे अभिमन्यु ने उसके दिमाग के साथ खेला था। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, उस रात युग जब यामिनी घाट पर तेरे सामने आई तब जाकर मुझे पता चला कि उसे उसके शरीर की सख्त जरूरत है। अपने शरीर के बिना वो अधूरी है, बिना शरीर के वो ताज की शक्तियों का उपयोग पूरी तरह नहीं कर पा रही है। मुझे उसी रात पता चल गया था कि यामिनी क्या चाहती थी, पर ये बात मैं गुरुजी तक पहुंचाता उससे पहले ही उसी रात वो खतरा उजागर हो गया जिससे हम सब अनजान थे। वो काला साया जो सालों से ग्रेवयार्ड कोठी में छुपा हुआ था, जिसकी मौजूदगी की हमें भनक तक नहीं थी, उसने डायना पर हमला कर दिया था और फिर डायना को बचाने के लिए मुझे एकास्त्र का उपयोग करना पड़ा। फिर तुम सब तो जानते हो कि हमें कैसे किन हालातों में ग्रेवयार्ड कोठी छोड़नी पड़ी और दिलीप जी के साथ हवेली रहने के लिए जाना पड़ा। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। कार्तिक पुजारी कुछ याद करते हुए खुद बोल पड़ते हैं, उस खतरे के उजागर होने के बाद ही तो पहली बार मेरे और अभिमन्यु के बीच झगड़ा हुआ था, हम दोनों में बहस हुई थी। कार्तिक पुजारी की ये बात उतनी ही ज्यादा हिलाने वाली थी जितने काले साए का सबके सामने आना। वो शिष्य जो अपने गुरु की हर बात शुरू से मान रहा था, उसी के गुरु के मुंह से ये बात सुनना कि उसके और उसके शिष्य के बीच झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, ये बात वहाँ पर मौजूद किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। योग अपनी दोनों भवे ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, आपके और अभिमन्यु के बीच में झगड़ा हुआ था, पर क्यों पुजारी जी? कार्तिक पुजारी युग को देखते हुए ईर्ष्या के साथ कहते हैं, तुम्हारी वजह से युग। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर युग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनने के बाद युग कार्तिक पुजारी से चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाता है, पर यामिनी से रहा नहीं जाता और वो अगले ही पल कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, पुजारी जी आपके और अभिमन्यु के बीच में युग बाबू को लेकर झगड़ा हुआ था, पर क्यों? जैसे कार्तिक पुजारी यामिनी का ये सवाल सुनते हैं, उनकी आंखों के सामने से वो पल गुजरने लग जाता है जिस दिन वो हादसा हुआ था, एक शिष्य उसके गुरु के विरुद्ध चला गया था। शाम हो चुकी थी और इस वक्त कार्तिक पुजारी कुटिया के अंदर जमीन पर बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे। कार्तिक पुजारी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गीता का पाठ कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, कोई जोर जोर से दरवाजा ठोकने लग जाता है। कोई शख्स इतनी जोर से दरवाजा ठोक रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर कार्तिक पुजारी ने जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे पर खड़ा शख्स दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर घुस जाएगा। इस वजह से कार्तिक पुजारी गीता का पाठ बीच में ही छोड़कर तुरंत अपनी जगह पर से उठते हैं और फुर्ती के साथ दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। जब कार्तिक पुजारी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खड़ा हुआ था। अभिमन्यु काफी घबराया हुआ था, उसकी इस घबराहट का पता उसके माथे पर मौजूद पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे साफ दे रही थी। अभिमन्यु की भी हालत खराब लग रही थी, वो कमजोर लग रहा था। कार्तिक पुजारी को देखते से ही अभिमन्यु सीधे उनके चरणों में गिर जाता है और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम गुरुजी। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो अभिमन्यु बेटा। अभिमन्यु वापस से खड़ा हो जाता है। कार्तिक पुजारी बिना देरी करे सीधे अभिमन्यु से पूछ पड़ते हैं, तुम इतने दिनों से कहाँ थे अभिमन्यु? मैंने 10 दिन पहले तुम्हें युग से यक्षिणी को बुलाने के लिए कहा था और तुम अब आ रहे हो, मुझे तुमने कोई खबर नहीं भेजी इतने दिनों से, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु इतना घबराया हुआ था कि कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है।
कार्तिक पुजारी फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ते हैं। ऐसे शांत खड़े मत रहो अभिमन्यु, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ कहाँ पर थे तुम इतने दिनों से? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सताई जा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि कहीं उस यक्षिणी ने तुम्हें कुछ कर ना दिया हो तुम। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, सब खत्म होने वाला है गुरुजी, वो सब कुछ खत्म कर देगा, अब कोई नहीं बचने वाला है। मैंने उस शैतान को अपनी आंखों से देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अभिमन्यु को इतना घबराए हुए कार्तिक पुजारी ने भी कभी नहीं देखा था। वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बड़ी समस्या जरूर खड़ी हो गई थी, इसी वजह से अभिमन्यु इतना घबराया हुआ था। अभिमन्यु की घबराहट बढ़ते जा रही थी और वो जानते थे कि इतनी घबराहट में वो अभिमन्यु से कुछ नहीं पूछ सकते थे, इसलिए पहले वो मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़कर अभिमन्यु के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और जब देखते हैं कि अभिमन्यु का मन शांत हो गया है तो उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ते से पूछ पड़ते हैं, अब बिना डरे विस्तार से बताओ अभिमन्यु, आखिर हुआ क्या है, क्यों तुम इतने घबराए हुए हो, किस शैतान की बात कर रहे हो तुम? अभिमन्यु एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरता है और एक ही बार में कार्तिक पुजारी को सब कुछ बता देता है कि उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था। उस काले साए के बारे में सुनकर कार्तिक पुजारी के भी होश उड़ गए थे, एक पल के लिए उनकी आंखों में भी खौफ नजर आने लग गया था। अभिमन्यु डरते हुए फिर बोल पड़ता है, सब खत्म होने वाला है गुरुजी, वो सब खत्म कर देगा, कलयुग आ गया है। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु से पूछते हैं, वो काला साया है कौन अभिमन्यु, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अभिमन्यु कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो काला साया कौन है ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, पर हाँ वो काला साया वैसे ही धुएं से बना हुआ था जैसा मैंने बचपन में घाट में देखा था। वो उसी तरह मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास मेरी मौत मंडरा रही हो। वो काला साया सब खत्म कर देगा गुरुजी। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को दिलासा देते हुए कहते हैं, कुछ खत्म नहीं होने वाला अभिमन्यु, महादेव पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे, वो हम सब की रक्षा करेंगे। कार्तिक पुजारी भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर वो काला साया कौन हो सकता था, वो भी अपने जीवन में पहली बार उस काले साए का जिक्र सुन रहे थे जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। कार्तिक पुजारी कुछ सोचने के बाद अभिमन्यु को घूरते हुए कहते हैं, उस काले साए से बचने के लिए तुमने एकास्त्र का उपयोग किया? अभिमन्यु पलट कर कहता है, डायना को बचाने के लिए मुझे एकास्त्र का उपयोग करना पड़ा गुरुजी। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु पर कुछ चिढ़ते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना अभिमन्यु, एकास्त्र पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसमें कुछ कमी रह गई है जिस वजह से अगर तुम उसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, मुझे तो लगता है उसी की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हुई है, तुम कमजोर लग रहे हो। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ गुरुजी, पर मैं क्या करता, उस वक्त डायना की जान खतरे में थी, उसे बचाने के लिए मुझे एकास्त्र का उपयोग करना ही पड़ा। कार्तिक पुजारी फिर गुस्से के साथ बोल पड़ते हैं, उसे वहां पर मौजूद यामिनी भी बचा सकती थी अभिमन्यु, शालिनी के शरीर से बाहर आकर, पर उसने तो डायना को नहीं बचाया ना, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करती है, जानती है किस वक्त क्या करना सही है, वो तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचती है। अभिमन्यु चुप ही रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। कार्तिक पुजारी को मन ही मन अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है कि उन्हें अभिमन्यु को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था, आखिर अभिमन्यु ने जो किया वो किसी की जान बचाने के लिए किया, चाहे वो फिर एक डायन ही क्यों ना हो, उसने एकास्त्र का उपयोग अपने मतलब के लिए नहीं किया था। कार्तिक पुजारी हमदर्दी के साथ अभिमन्यु से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना अभिमन्यु? अभिमन्यु कहता है, एकास्त्र का उपयोग करने के बाद मुझे कुछ कमजोरी तो लग रही है गुरुजी, पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। कार्तिक पुजारी खुद से कहते हैं, महादेव करे ऐसा ही हो। अभिमन्यु के कुछ कहने से पहले ही कार्तिक पुजारी फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ते हैं, क्या उस रात युग के बुलाने पर यक्षिणी आई थी वहां पर? अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, हाँ यक्षिणी वहां पर आई थी गुरुजी, उसने ये भी बताया कि उसे उसका शरीर चाहिए, वो इतने दिनों से उसी की तलाश कर रही है, उसने युग से कहा कि जब उसे उसका शरीर मिल जाएगा तो वो युग के सामने आएगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी कि वो क्यों ये सब कर रही है। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर यक्षिणी को उसका शरीर ही चाहिए तो तुम उसे उसका शरीर किसी तरह से वापस लौटा दो अभिमन्यु। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी से पूछता है, पर गुरुजी आपने ही तो मुझसे कहा था कि यक्षिणी को उसका शरीर नहीं मिलना चाहिए, वरना वो और शक्तिशाली हो जाएगी और हो सकता है कि वो और ज्यादा मर्दों के शिकार करने लग जाए, और अब आप ही कह रहे हैं कि मैं उसे उसका शरीर लौटा दूं। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु से कुछ छुपाते हुए कहते हैं, क्योंकि अब यही करना उचित होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी का शिष्य था और इतने वक्त से कार्तिक पुजारी के साथ रहकर वो इतना तो उनके हाव भाव समझने ही लग गया था कि कार्तिक पुजारी कब उससे कुछ छुपा रहे होते हैं और कब उसे सारा सच बता रहे होते हैं। अभिमन्यु भी चालाकी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, और जब मैं यक्षिणी यानी यामिनी को उसका शरीर वापस कर दूंगा उसके बाद क्या होगा गुरुजी?
कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं, अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, बताइए गुरुजी, जब यामिनी को उसका शरीर मिल जाएगा तब वो क्या करेगी? अगर वो और ज्यादा खतरनाक हो गई, सबको मारने लग गई, तो तब हम क्या करेंगे? कार्तिक पुजारी भावनाओं में बहते हुए बोल पड़ते हैं, नहीं अभिमन्यु, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। शरीर मिलने के बाद वो बस एक शख्स को मारेगी, उसके बाद वो शिकार करना ही छोड़ देगी, फिर कभी किसी मर्द को नहीं मारेगी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, आखिर ऐसा क्या होगा उस एक शख्स को मारने के बाद गुरुजी, कि यक्षिणी शिकार करना ही छोड़ देगी? और वो शख्स है कौन जिसे मारने के बाद ऐसा होगा? कार्तिक पुजारी फिर अभिमन्यु से सच छुपाते हुए कहते हैं, वो तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अभिमन्यु, इसलिए तुम बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा। अभिमन्यु भी जिद करते हुए बोल पड़ता है, गुरुजी पहली बार आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आप मुझे सच क्यों नहीं बताना चाहते? कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं। अभिमन्यु फिर कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, गुरुजी पहले आप बताइए, शरीर मिलने के बाद यामिनी किसे मारेगी? कौन है वो शख्स? उसी के बाद मैं यामिनी को उसका शरीर दूंगा। कार्तिक पुजारी जानते थे कि बिना जवाब दिए अभिमन्यु उनकी बात नहीं मानने वाला था, इसलिए कार्तिक पुजारी कठोर बनते हुए बोल पड़ते हैं, अगर तुम सब कुछ जानना ही चाहते हो अभिमन्यु, तो सुनो, शरीर मिलने के बाद यक्षिणी जिसे सबसे पहले मारेगी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त युग है। जब अभिमन्यु कार्तिक पुजारी के मुंह से युग का नाम सुनता है तो अपने होश खो बैठता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, क्या कहा आपने गुरुजी, युग? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ अभिमन्यु, युग को मारने के बाद ही यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिलेगी, पर उसके लिए उसे पहले उसका शरीर चाहिए, उसी के बाद वो युग को मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती है। बिना शरीर के अगर उसने युग को मार दिया तो उसे अभिशाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अभिमन्यु बोल पड़ता है, आप कैसे कह सकते हैं कि युग को मारने के बाद यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ, ये छोड़ो अभिमन्यु, बस इतना जान लो मैंने कहा वही सत्य है। युग की मौत के बारे में सुनकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो ना में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए बोल पड़ता है, नहीं ये सच नहीं है गुरुजी, आपको तो पता ही नहीं था ना कि यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति कैसे दिलानी है, पर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ते हैं, मैंने जो कहा वही सच है अभिमन्यु, युग को उसके अभिशाप से मुक्ति मिलेगी, यही युग की नियति है। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को एक टक देखते हुए रोते हुए ही कहता है, मतलब आप पहले से ये बात जानते थे कि युग के मरने से यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिलनी है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।